दो बीकर में 50 ml पानी भर लें, एक में एक चम्मच कॉपर सल्फेट डालें, दूसरे में दो चम्मच कॉपर सल्फेट डालें। दो पेट्री डिश लें, एक में एक चम्मच कॉपर सल्फेट और एक चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट डालें, दूसरे में दो चम्मच कॉपर सल्फेट और एक चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट डालें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर दें। इस एक्टिविटी में दो होमोजेनियस और दो हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स बनाए गए हैं। पानी में कॉपर सल्फेट डालने से होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, लेकिन एक सॉल्यूशन में एक स्पून कॉपर सल्फेट है और दूसरे में दो स्पून। हम देखते हैं कि दोनों ही होमोजेनियस सॉल्यूशन है, लेकिन एक का कंसंट्रेशन दूसरे से ज़्यादा है। वहीं दोनों हेट्रोजेनियस मिक्सचर में एक में कॉपर सल्फेट ज़्यादा और दूसरे में कॉपर सल्फेट कम मिक्स करते हैं तो इनका कंसंट्रेशन अलग अलग होगा। अब इस एक्टिविटी को करने का मकसद क्या है? असल में यदि आपको पता हो, जब हम लोगों ने कंपाउंड के बारे में पढ़ा तो ये जाना दो या दो से ज़्यादा एटम मिलकर एक फिक्स रेशियो में कंपाउंड बनाते हैं। जैसे पानी के लिए दो एटम हाइड्रोजन और एक एटम ऑक्सीजन का चाहिए, जिसे H2O लिखते हैं। वहीं होमो और हेट्रो दोनों ही मिक्सचर का वेरिएबल कंपोजिशन होता है। जैसे 50 ml पानी में 10 या 20 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल दें। इस एक्टिविटी से हम लोग ये जाने कि कंपाउंड में फिक्स कंपोजिशन होता है, जबकि मिक्सचर चाहे वो होमोजेनियस हो या हेट्रोजेनियस, उसमें वेरिएबल कंपोजिशन होता है, यानी कि कंपोनेंट की मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो प्लीज़।